नीलम वैली में केरन शारदा केलर अंकेल के बाद अगर कोई फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो वो है ताऊबट। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट ट्रैवल गाइड दूंगा ताऊबट की। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। केएल से ताऊबट का जो टोटल डिस्टेंस है वो तकरीबन 44 किलोमीटर है, जो कंप्लीट ऑफ रोड है। और उसके लिए आपको 4x4 जीप चाहिए होती है। आम गाड़ियों जो है सेडान वगैरह वो वहाँ पे नहीं जाती, क्योंकि कई जगह जो है रास्ता बहुत ज्यादा गंदा पत्थर है वहाँ पे। तो वहाँ पे लोकल जीप जो है वो मिल जाती है केएल में, जिनका पिछले साल तक रेंट जो था वो 12 से 16 हज़ार के दरमियान था। और ये जो टोटल 44 किलोमीटर सफर है ये आपको कंप्लीट करने में तकरीबन 3 घंटे 3.5 घंटे का टाइम लगता है। जो ये ऑफ रोड सफर है ये बहुत खूबसूरत है, ये देखने वाला सफर है। एक तरफ आपके सरिया नीलम होता है, उसके साथ साथ ये रास्ता जो है जाता है। केएल से जब आप निकलेंगे तो आगे जाके एक चेक पोस्ट आती है आर्मी की, वहाँ पे अपना CNIC वगैरह देना है। चेक पोस्ट के बाद फिर एक पक्का पैच आता है रोड का, और उसके बाद फिर कम्प्लीट जो आपका ये तकरीबन 42 किलोमीटर है वो तकरीबन ऑफ रोड होता है। ऑफ रोड वो इस तरह के 4x4 में जुड़नी पड़ती, पर गाड़ी ऊंची होती है, कई जगह बहुत ज्यादा पत्थर आ जाते हैं और कई जगह बहुत ज्यादा ऊंची चढ़ाई है, और कुछ जगह कुछ छोटे छोटे ब्रिज भी आपने क्रॉस करने होते हैं। बाकी ये ताऊबट में अच्छी खूबसूरत जगह है, तो एक दफा वहाँ भी लाजमी जाएगा अगर आपका इस दफा ईद के बाद प्रोग्राम बनता है। तो अगर आपके पास अपनी 4x4 गाड़ी और आप उसको लेकर जाने जा रहे हैं तो कोशिश करेगा कि अपना टैंक जो है वो एक दफा केएल से लाजमी फुल करा दे। केएल से आप पेट्रोल पंप तो नहीं है, पर वहाँ पे ड्रम्स में ऑयल मिल जाता है और वो उसका रेट जो है वो 30-40 रुपए ऊपर ही होता है। पर एक अगर आपने आगे अपनी गाड़ी लेकर जानी 4x4, आम सेडान वगैरह नहीं जाते, जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बताया, पेट्रोल डीजल दोनों चीजें आपको केएल से मिल जाएंगी। अगर आपके साथ बच्चे हैं, आपने रात को ताऊबट जाते हैं और आपने वापसी केएल आ रुकना होता है, तो आप अगर आपको वहाँ शाम हो जाते हैं तो इतना तो मसला नहीं है, आप रात को भी वहाँ पे सफर जो है वापस केएल आ सकते हैं। क्योंकि जगह जगह आर्मी के चेक पोस्ट पूरे रास्ते में, आर्मी के चेक पोस्ट बते हुए आर्मी भी जगह जगह वहाँ पे बैठी हुई है, उससे अगर कोई मसला नहीं। और अगर आपसे बच्चे वगैरह भी तब भी आपको परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि बीच में काफी सारी थोड़ी थोड़ी देर बाद काफी सारे गाँव और आबादियाँ आती है। बाकी ताऊबट जगह जो है वो खूबसूरत है, ताऊबट में भी होटल वगैरह काफी बने हुए हैं। और ताऊबट जब आप एंटर करते हैं तो वहाँ पे 3 आते हैं, एक ताऊबट 1 आता है, वहाँ भी होटल बने, ताऊबट 2, एंड पे जो है वो ताऊबट 3 है। ताऊबट 3 में काफी सारे होटल जो है अब बन गए हैं, होटल नहीं उनको हार्ट टाइप भी कह सकते हैं। तो वो उनका जो रेंट था वो पिछले दफा जब पता गया था तो वो 3,000 से 7,000 के दरमियान में मिल जाते हैं, और वहाँ पे भी रात को लोग रुकते हैं जाके। फोन नेटवर्क जो है वो तकरीबन जब आप केएल से 12 किलोमीटर आगे आते हैं तो फिर फोन आपका नहीं चलता, और जो केएल से आगे 12 किलोमीटर उसमें भी सिर्फ एस्कॉन की सिम चलती है। और ताऊबट जो है नीलम वैली का समझे आखिरी गाँव है, और अगर आपने ताऊबट का रास्ता देखना है किस तरह का है तो वो भी आप देख सकते हो, मैं वीडियो अटैच कर दूंगा। बाकी थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ड्राइव सेफ, ड्राइवर स्टाइल विद ड्राइव स्टॉप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।